नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के नए एपीआई प्लेटफॉर्म के साथ अपने प्लेटफॉर्म को लिंक करने के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप कोटक नियो का अकाउंट कैसे स्विच कर सकते हो और किस तरीके से उसके साथ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को आप परफॉर्म कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं थोड़ा बहुत उससे आगे बताऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास अपनी कोई खुद की स्ट्रेटजी है या फिर आप किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हो तो किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको इंडिकेटर्स को लगाना बताऊंगा और उनको किस तरीके से उसमें पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ मैं लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे MetaTrader 4 प्लेटफॉर्म के बारे में। MetaTrader 4 को बहुत सारे लोग MT4 भी बोलते हैं। MetaTrader 4 जो सॉफ्टवेयर है वो MetaQuotes कंपनी का सॉफ्टवेयर है और जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके से MetaTrader 4 आपको दिखता है। इसमें बेसिकली तीन विंडोज़ होती हैं जो कि लेफ्ट साइड में आपको दो विंडोज़ दिख रही हैं। एक विंडो का नाम है मार्केट वॉच जिसमें आपको लाइव फ्लक्चुएटिंग रेट्स दिखाई देते हैं। उसके नीचे जो विंडो है जिसको हम नेविगेटर बोलते हैं उसमें हम इंडिकेटर लगाते हैं और इंडिकेटर अपना कॉपी या पेस्ट करते हैं या फिर हम इंडिकेटर बनाते हैं तो भी वो यहाँ पर दिखता है। राइट साइड में आपको तीसरी विंडो दिख रही है चार्ट विंडो की जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहे हैं आपको ग्रीन और रेड कलर के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MT4 को यूज़ क्यों करते हैं हम चार्टिंग के लिए या फिर स्ट्रेटजी बनाने के लिए, क्योंकि MT4 में एक चीज़ होती है जिसको हम मेटा एडिटर बोलते हैं। ठीक है, ये मेटा एडिटर जो होता है इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको C# की कोडिंग आती है तो आप MetaQuotes लैंग्वेज का कोडिंग सीख सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आपको नॉलेज नहीं है स्ट्रेटजी बनाने के बारे में या फिर कोडिंग के बारे में तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में स्ट्रेटजी होगी हम उसको ऑटोमेट कर देंगे और उससे भी आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं बेसिक्स पे कि किस तरीके से हमको यहाँ पर सेटिंग करनी है और किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। तो MT4 डाउनलोड कर सकते हैं आप, किसी भी कंपनी का डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको जाना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ElgoCrab और ElgoCrab पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर आपका अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। अगर आपके पास हमारा अकाउंट ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए आपको अपनी डिटेल डालनी होगी और डिटेल डालने के बाद इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का सेक्शन मिलेगा। डाउनलोड के सेक्शन में पहला MetaTrader 4 है। आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। इस तरीके से फाइल नीचे डाउनलोड होने को दिख जाएगी आपको। तो जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाती है उसको हमें डबल क्लिक करके ओपन करना होता है और ओपन करने के बाद कुछ नेक्स्ट और कंटिन्यू के बटन आते हैं, उन बटन को आपको प्रेस करना होता है। इसलिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। तो जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होके फिनिश होके हमारे पास आपको आपको एक MT4 का आइकन दिख जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी MT4 इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको MT4 ओपन करके दिखाता हूँ। तो जब आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी उसमें आपको फाइल में जाकर, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आपको फाइल में और उसके बाद लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है और वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी होती है। ये डिटेल आपको हमारे नंबर्स पे कॉल करने से मिल जाएगी। आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको ये डिटेल दे देंगे। इवन हम लोग आपके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। अब इसमें सारे चार्ट्स भी हैं, सारे सिम्बल्स भी हैं और आप अगर राइट क्लिक करके सिम्बल्स पर जाएंगे तो आपको सारे ग्रुप्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं, NSE, MCX, फ्यूचर, कैश, इस सब की जानकारी भी आपको हमारे ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स दे देंगे। तो ये सब करने के बाद आपको एक मेन सेटिंग करनी होती है जो कि आपको टूल्स के सेक्शन में मिलती है। टूल्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना होता है और यहाँ पर आपको एक्सपर्ट का टैब में जाना होता है और अलाउ DLL करना होता है। बेसिकली जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा। आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको ओके कर देना है। तो MT4 की जो सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ElgoCrab पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ElgoCrab पे से क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर हम MT4 के इंडिकेटर पे डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें MT4 के इंडिकेटर से ही होंगे यहाँ पर आप। तो आपको यहाँ पर ब्रिज टूल में जाना होगा और ब्रिज टूल में जाने के बाद आपको मार्केट प्लेस में जाना होगा।
मार्केट प्लेस में आपको अलग अलग इंडिकेटर्स दिखेंगे, कुछ यहाँ पर पेड हैं और कुछ यहाँ पर फ्री हैं। तो अगर आप फ्री इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे फ्री इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि बटन ट्रेडिंग भी आपको मिल जाता है, हाइकन एशियन सुपर ट्रेंड मिल जाता है, RSI मिल जाता है। तो इस तरीके से फ्री इंडिकेटर्स हैं, बाकी के इंडिकेटर्स जैसे सुपर ट्रेंड भी है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है ये, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो वन बाय वन हम करेंगे इंस्टॉल। सबसे पहले बटन ट्रेडिंग का इंडिकेटर इंस्टॉल करते हैं। बटन ट्रेडिंग का इंडिकेटर जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और चार्टिंग प्लेटफॉर्म से कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेडिंग करते हैं मैनुअली। तो जब तक वो मैनुअली ट्रेडिंग करने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाता है, तो उसमें 2-4 सेकंड का डिले आता है जिसकी वजह से स्लिपेज हो जाती है। तो उस सब से बचने के लिए आप MT4 ब्रिज इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अब जब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ फाइल में आना है, ओपन डेटा फोल्डर में आना है, और उसके बाद MQL4 में आना है और इंडिकेटर में आना है। यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट किया हुआ है, मेरे पास है ऑलरेडी अवेलेबल। तो आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है नेविगेटर में और रिफ्रेश करना। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपको वो इंडिकेटर यहाँ पे दिखने लगेगा। अब ये इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है। अब हम तो किस तरीके से ट्रेडिंग होगी वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप MT4 ब्रिज में आए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा निफ्टी NOV। ऐसे लिखने से निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए निफ्टी नवंबर फ्यूचर आ गया। अभी मैंने इसको क्लिक किया और मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अभी मुझे यहाँ पर इसका सिग्नल लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे दो कीज़ मिल रही हैं, यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की। अब ये दोनों की मुझे MT4 में पेस्ट करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस इंडिकेटर पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे दो डिटेल मांग रहा है, पहले आपके AlgoCrab का लॉगिन आईडी और पासवर्ड, दूसरा मांग रहा है यूज़र की एंड इंस्ट्रूमेंट की। तो AlgoCrab की यूज़र आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यूज़र की डालनी है। यूज़र की जनरली आपका मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट की आप यहां से कॉपी कर सकते हो, तो इंस्ट्रूमेंट की आपको यहां से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट की डालेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट की यहां पर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आपको NRML करना है, MIS करना है, क्या करना है, वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप MIS कर सकते हो, अगर आपको पोजिशनल करनी है तो आप NRML कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में और फ्यूचर मतलब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप CNC यूज़ करेंगे, ठीक है। तो MIS में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसको ओके किया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक स्क्रीन नीचे बॉटम पे आ गई है। अब मुझे ट्रेड करना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि टूल इसमें आपको व्यूज़ में आपको टर्मिनल विंडो मिलता है। टर्मिनल में एक्सपर्ट्स में जाके यहाँ पर दिखता है कि जब ट्रेड गया तो क्या गया क्या नहीं गया, वो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में 50 डाला और उसके बाद बाय का बटन प्रेस किया। तो जैसे ही मैं बाय का बटन प्रेस करूँगा नीचे मुझे एक मैसेज दिखेगा, रिजल्ट सक्सेस फ्रेश ट्रेड, यानी कि हमारा एक फ्रेश ट्रेड हो गया है। अब हमें इसकी कंफर्मेशन लेनी है कि ट्रेड हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आके हिस्ट्री पे जा सकते हैं। ये ट्रेड्स की हिस्ट्री दिखती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 नवंबर फ्यूचर का एक मेरा ऑर्डर चला गया, ठीक है। अब ये आपको अगर देखना है भी आपके ट्रेड बुक में गया नहीं गया, तो आप यहाँ पर ब्रोकर पैनल में जाके ऑर्डर बुक में देख सकते हो। ये देखिए आप ऑर्डर आईडी आ गया, ये फ्यूचर का ये बाय आ गया, ये क्लोज आ गया, ये रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब फंड इसमें अवेलेबल नहीं है अकाउंट में, तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए यही पोजिशन हमें क्लोज करनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लोज बाय पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लोज बाय पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इसने देख दिया MIS सेम डे क्लोज, तो हमारी ट्रेड जो वो क्लोज हो चुकी है। अब इसका भी कंफर्मेशन लेने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और यहाँ पर जब हम ब्रोकर पैनल में जाके ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमें दिख जाएंगे कि हमारे दो ऑर्डर्स लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैनुअली अगर आप कोई मान लीजिए चार्ट लगाते हैं, कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, नॉर्मली मान लीजिए अगर आप कोई चार्ट लगाते हैं, कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि पहले आप ऐसे इंडिकेटर में देखेंगे क्या सिग्नल चल रहा है और फिर उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे और ट्रेड करेंगे। या फिर अगर ऑलरेडी लॉगिन भी है तब भी आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड का वक्त उसमें लग जाएगा आपको अपना ट्रेड प्लेस करने में। लेकिन यहाँ पर बहुत आसान है, जैसे ही सिग्नल आया और ट्रेड हो गया। ये तो था कि किस तरीके से होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिक कैसे होगा। ये तो था कि भाई मैंने बटन प्रेस किया और बटन प्रेस से ट्रेड हो गया। अब हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मिनट का मैंने चार्ट लगा दिया, और ये 1 मिनट क्यों लगा रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि जल्दी से आपको सिग्नल जनरेट करके दिखाने की वजह से। अगर मैं इसको 5 मिनट 15 मिनट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो अभी जो मैं सेटिंग्स करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ
इसलिए है कि जल्दी से मैं आपको सिग्नल दिखा सकूं ट्रेड आने पे किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेड लेता है। ठीक है, अभी हमने देखिए निफ्टी का ट्रेड कर लिया था, अब हम बैंक निफ्टी में करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में करेंगे तो अलग सेपरेट रहेगा, दिखाई देगा हमको, समझ में आएगा। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर MT4 ब्रिज में जाके ट्रेडिंग करना होगा, तो हमें सिंबल लगाना है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसका हमको इंस्ट्रूमेंट की कॉपी कर लेना और इसे हमें स्टार्ट कर देना। इसके बाद हमें आना है यहाँ पर, मैंने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, अब आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम प्लेटफॉर्म पे ये फ्री में अवेलेबल है। अब हमें क्या डालना होगा, हमें अपना ये डालना होगा एल्गो क्रैब का यूज़र नेम और पासवर्ड। आपको मैं एक और ट्रिक बताऊँगा अभी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये बार बार आपको डालने ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑटो ट्रेडिंग को ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये डालता हूँ सारी चीज़ें। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना, इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे इसको, आप सेटिंग्स या एल्गो क्रैब जैसे मैंने लगा रखा है, इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो। तो सेव करने से क्या होगा कि सारी डिटेल आपकी जो अभी आपने डाली है सब सेव हो गई। अब अगली बार जब खोलेंगे तो ये बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की आपको डालनी पड़ेगी, और इंस्ट्रूमेंट की डालने से आपका ट्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके पैरामीटर्स को फास्ट कर देते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी सिग्नल प्रोड्यूस करने लगे। अभी मैंने इसको बहुत फास्ट कर दिया है, आपको ये सब नहीं करना है दोस्तों। आपको ख्याल रखना है कि इस तरीके से पैरामीटर आपको इतने ज़्यादा फास्ट नहीं रखने, नहीं तो आपके एक दिन में 200-300 ट्रेड हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, क्वान्टिटी में हमें 25 डालना है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, 25 डाल दिया हमने, अब इसको हमें ओके करना है। तो अभी देखिए आप हाफ हर एक कैंडल पे आपको ये ट्रेड्स दिखा रहा है, तो अभी जैसे ही बाय का सिग्नल बनेगा तो भी हमें टर्मिनल विंडो में दिखेगा कि हमारा बाय हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा प्लेटफॉर्म पे हमने इसको स्टार्ट किया हुआ सिंबल को, जब भी कोई सिग्नल आता है तो एक साउंड अलर्ट भी आता है इसमें, तो जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ना 1 मिनट की, आप देखेंगे एक साउंड अलर्ट आएगा और साथ ही साथ में सिग्नल भी हो जाएगा ट्रेड। ठीक है, अब देखा आपको साउंड आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और हिस्ट्री में देखेंगे ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए ट्रेड यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा ट्रेड करने में, तुरंत की तुरंत ट्रेड हो गया होगा आपका। जैसे ही आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड आया होगा तुरंत आपका ट्रेड हो गया होगा। यहाँ पर अब टर्मिनल में भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये टर्मिनल में भी दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट फ्रेश मैसेज लिखा हुआ है फ्रेश ट्रेड का। ठीक है, तो यानी कि फ्रेश ट्रेड अपना कंप्लीट हो गया बहुत ही एकदम से फास्ट। और ऐसे ही अगले सिग्नल को भी आप देख सकते हैं, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको सेल का सिग्नल मिलेगा, वो भी बहुत फास्ट मिलेगा। तो ये बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, जो पैरामीटर्स मैंने लगाए हैं ये बहुत फास्ट पैरामीटर्स हैं। दूसरा, जो भी सेटिंग अभी हम कर रहे हैं ये सब वन टाइम सेटिंग है, बार बार आपको नहीं करनी। तो ऐसा नहीं कि कई बार लोग कहते हैं कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बार बार ये चीज़ें करनी होंगी, बार बार ये चीज़ें करनी होंगी, बिल्कुल नहीं करनी होंगी, आपको एक ही बार करनी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म का ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप 6 डेज़ का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। 6 डेज़ के फ्री ट्रायल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको नीचे जो नंबर दिख रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। तक नियो का अकाउंट आपको किस तरीके से लिंक करना है उसका भी वीडियो मैंने बाकायदा नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट 3-4 मिनट्स में आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, किस तरीके से कोटक नियो को आपको API लेना है और किस तरीके से स्विच करना है अपना अकाउंट। अगर आपका कोटक का पुराना वाला अकाउंट है तो उसको नियो में किस तरीके से स्विच करना है। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।